हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरपंचों को 21 लाख तक के विकास कार्य बगैर टेंडर करने का अधिकार दे दिया है, लेकिन सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह ने इसे भ्रमित करने वाला फैसला बताया। उन्होंने कहा, सरकार जब तक ग्राम पंचायतों को उनके पूर्ण अधिकार नहीं देती तब तक इस तरह की घोषणाओं का कोई औचित्य ही नहीं है। रणवीर सिंह ने कहा कि आने वाली 7 जुलाई को एसोसिएशन की बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा, सरकार ने ग्राम पंचायत को किसी मंत्री के आगमन पर खर्च सीमा बढ़ाकर 30,000 करने की घोषणा की है, उससे ग्राम पंचायत को क्या लाभ होगा। बीजेपी सरकार घबराई हुई है पंचायतों की शक्ति से, और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। जो इन्होंने घोषणा की है 21 लाख की, ये सिर्फ एक दिखावा है। इन लोगों ने जो घोषणा की 21 लाख की, 50% की बाउंडेशन है और ना ही काम करने के अधिकार है, तो इस लिमिट का तो कोई औचित्य नहीं बढ़ता। ये तो एक भ्रमित करने की साजिश है सरकार की कि हमने सरपंचों पंचायतों की मांग बढ़ाई। भाई, जब तक आप काम करने के अधिकार नहीं दोगे, पूर्ण अधिकार पंचायती राज के लागू नहीं करोगे और 50% की बाउंडेशन खत्म नहीं करोगे, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है, और 7 तारीख को हम 7 जुलाई को अपने साथियों की मीटिंग बुलाकर अपनी आगे की जो आंदोलन की रणनीति है उसके ऊपर विचार करेंगे और आगे का निर्णय लेने का काम करेंगे।